चैप्टर 16 देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, क्लास 11 का। प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे मान लीजिए आप 11 बजे रात को बस स्टैंड पहुंचते हैं और बोलते हैं कि बस मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। यही आप अगर सुबह 11 बजे पहुंचते हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ये प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है ये कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हम प्रोबेबिलिटी को बकायदा डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे कि जो अनसर्टेनिटी आप कह रहे हैं यहाँ पर, ये अनसर्टेनिटी का फिनोमेना है कि बस मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, इसको हम प्रोबेबिलिटी में डालेंगे। जैसे आपके पास एक डाइस होती है, डाइस क्या होती है, जिसपे यहां पर एक बिंदी है या दो बिंदी है, ऐसे करके पूरे इसमें एक से लेकर 6 तक बिंदी होती है। तो जब आप इसको फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इवन नंबर आए, जो डाइस फेंक सकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आप कहेंगे कि इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1, 3, 5 ये ऑड है, कुल मिला के कितने हो, 1, 2, 3, 3, और कुल मिला के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो 3/6 इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो जो ये तरीका है इसमें हम जो फेवर कर रहे हैं, अब इसमें अगर आप कहें कि नहीं हमको इवन नंबर चाहिए, तो ये भी 1, 2, 3, 3 है, तो ये भी 3/6 होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की, ऑड नंबर आने की, दोनों की पॉसिबिलिटी आपकी हाफ है। तो कोई इवेंट हुआ, आपने जो डाइस फेंका या डाई फेंकी, ये एक इवेंट है। तो कोई भी चीज जो आ रही है वो इवेंट है। जितने भी आपके फेवरेबल है, आप जो चाहते हैं वो फेवरेबल इवेंट, मतलब जो भी आउटकम आएगा इस इवेंट का, आप फेंकेंगे तो कोई ना कोई आउटकम आएगा जो आपका फेवरेबल हो इवेंट, और जितने पॉसिबिलिटी है आने की, आपका फेवरेबल क्या है और जितने आ सकते हैं उनका अगर रेशियो ले, उनका अगर डिविजन ले, तो आप कहेंगे कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने पहले भी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जो डेटा कलेक्शन है उस हिसाब से देखा था। तो वो जब डेटा कलेक्शन के हिसाब से देखा जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तब ये प्रोबेबिलिटी जो की जो अप्रोच है वो आपकी स्टेटिस्टिकल अप्रोच हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज और देखेंगे इसमें, और फिर देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को नई तरीके से डिफाइन करेंगे। इसमें हम देखेंगे लाइकली टर्म क्या है, इक्वली लाइकली, इक्वली प्रोबेबिलिटी वाली क्या टर्म है। लॉजिकली हम देखेंगे कब लाइकली है, कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसको ए एन कोलमोगोरोव, एक रशियन साहब थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये चीज सामने रखी और अपनी किताब उनकी फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में इसको उन्होंने दर्ज किया। ठीक है, तो इसमें हम आज जो देखने वाले हैं इस चैप्टर के संदर्भ में वो है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है? एक्सियोमेटिक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरीके से टर्म लेंगे, सैंपल स्पेस को समझेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे, और फिर इस हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे चीजों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? जो चीज कोई फिक्स नहीं है, जिसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं आने वाला है, जब भी आप फेंके, जैसे डाई फेंकते हैं उसमें क्या है, आप कह सकते हैं कि 6 आएगा, आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप ये जानते हैं कि इसका कोई रिजल्ट रैंडम आ सकता है, लेकिन आप ये जानते हैं 1 से 6 के बीच में ही आएगा, ये फिक्स्ड है, लेकिन 1 से 6 के बीच में आएगा ये पता नहीं। अगर आप एंगल लें तो इस एंगल का सम जो होगा, 3 एक ट्रायंगल के एंगल का सम होगा 180 डिग्री, लेकिन आप ये क्या कह सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप एक कॉइन फेंकते हैं, उछालते हैं, तो आपको क्या पता इसमें क्या आने वाला है, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल आएगा ये आपकी किस्मत है ना। इसीलिए जो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, वी कॉल देम एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की आप जरा जिसे फॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन या फिर उसकी जो
कंडीशंस है जो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब आप उसको कहेंगे कि हाँ ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तब क्या हो, पहली चीज उसके एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए, पॉसिबल आउटकम्स। अगर एक ही आउटकम है तो फिर आप रैंडम तो हुआ नहीं ना। जैसे आपने अगर शोले पिक्चर देखी हो, उसमें जो अमिताभ बच्चन साहब अपना ये कॉइन उछालते हैं, उसमें दोनों में ही हेड होता है, तो हर बार वही जीतते है ना। तो इस टाइप का नहीं होगा, कोई ना कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर तभी होगा जब उसके पॉसिबल आउटकम्स अलग अलग होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कॉइन उछाला है तो अगर आपने प्रिडिक्ट किया हेड आएगा और वो हर बार हेड आ रहा है, तो फिर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब होगा जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसी में अब सोचिए जरा, डाई क्या होगा, एक डाई फेंकेंगे तो एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, एक आ सकता है, एक से छह तक कोई भी आ सकता है, और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना। अगर आप सांप सीढ़ी खेल रहे, अगर आपको याद हो पहले खेला जाता था ये, तो एक सांप होता था यहां पर, एक दो या तीन से वो सीधा इस तरीके से 99 या 98 पे वो सांप होता था। तो जैसे ही यहां पर 99 पे अगर आप आ गए तो सीधा आप नीचे उतर जाते थे, तो उसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे आप कि कौन सा नंबर आने वाला है। हो सकता है कि आप एकदम 100 पे पहुंच जाए, हो सकता है आप 98 पे आके भी नीचे चले जाए। तो आउटकम्स और सैंपल स्पेसेस की बात अगर हम करें, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम समझ गए ना, दो कंडीशन है, जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है, पॉसिबली जो भी रिजल्ट आ सकता है, उसको हम आउटकम की संज्ञा देंगे। जैसे डाई आपने देखा, एक से लेकर छह तक आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जो आउटकम्स है इसके एक से लेकर छह तक, अगर इसका सेट बनाया जाए, तो इस सेट को हम कहेंगे सैंपल स्पेस उस एक्सपेरिमेंट का, एक से छह तक। इसी को हम सैंपल स्पेस कह रहे हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे एस से, कैपिटल एस, जहां भी आपको दिखाई दे प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में, तो आप उसे कहेंगे ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब इसमें जो ये एक एक वैल्यू दिख रही है ना आपको, इनको हम कहेंगे सैंपल पॉइंट। क्या कहेंगे? सैंपल पॉइंट। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आ रहा है आपका, कोई भी आउटकम, इसी किसी एक को भी उठा ले तो उसे हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दो कॉइन्स हैं आपके, एक रुपए का कॉइन है और दो रुपए का कॉइन है, इसको आपने एक साथ उछाला, इसका सैंपल स्पेस निकालना है। अब एक रुपए का कॉइन है, दो रुपए का कॉइन है, इसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, एक रुपए का कौन सा है, दिखता है आपको, क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये एक रुपए का है, ये दो रुपए का है। तो इसमें क्या करेंगे, उछाला आपने पहले वाले को, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो दोनों ही कॉइन में, जैसे आपने दोनों को एक साथ उछालना है, वंस लिखा है, एक ही बार में आपने उछाला, तो दोनों में हेड आ सकते हैं, हेड, तो एक पॉसिबिलिटी की हेड हेड। एक बार क्या हो सकता है, इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, तो एच टी। एक बार इसमें टेल आ सकता है, इसमें एच आ सकता है, तो टी एच। दोनों में भी तो टेल आ सकता है, टी टी, तो टी टी हो गया। तो इसका सैंपल स्पेस जो बना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का, वो है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके, जैसे एच एच आपने कहा ना, ये इस तरीके से एच कम एच, ये ऑर्डर्ड पेयर है हेड और टेल के। ओके, थोड़ा इसमें अभी कॉमा हटा दिया गया है यहां पर, ये आप इसको ये समझिए, ये है असली। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने डाई फेंका, एक डाई जो है वो ब्लू है, एक रेड है, एक ही बार में फेंक दिया, यानी कि ये एक डाई है, ये दूसरी डाई, दोनों को एक साथ फेंका। अब इसमें क्या आ सकता है, वन, इसमें वन। अब ये वन, मान लीजिए ये वन आ रहा है, तो इसमें वन आया तो इसमें टू भी आ सकता है, इसमें वन आया तो इसमें थ्री भी आ सकता है, इसमें वन आया तो इसमें फोर आ सकता है, इसमें वन आया इसमें फाइव आ सकता है, इसमें वन आया इसमें सिक्स आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें अगर दो आया तो इसमें वन आ सकता है, इसमें दो आ सकता है, तीन आ सकता है, ऐसे करके बने। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर किस तरीके से बन रहे हैं, कि अगर मान लीजिए आपके एक में वन आया तो दूसरे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है, पहले में दो आया तो वन, दूसरे में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स किसी तरीके से भी आ सकता है। तो वन से लेकर छह तक पहले वाले डाई के लिए दूसरे डाई का वन से छह तक कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर की तरह बना रहे हैं। और ये जो एस सेट आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर इज एक्स कमा वाई, एक्स जो है वो नंबर है जो ब्लू डाई में आ रहा है, वाई जो है वो नंबर है जो रेड डाई में आ रहा है,
कितने आपके एलिमेंट हो गए इसमें, कितने पॉसिबिलिटी आ सकती है, 6, 1 से 6 तक। इसमें कितना आ सकता है, 1 से 6, 6 इंटू 6 करिए कितना होगा, 36। तो कुल मिला के 36 एलिमेंट्स आएंगे आपके इस सैंपल स्पेस में। अब यहां पर देखिएगा पहला वाला, आपको इसका सैंपल स्पेस निकालना है। एक बॉय के पास, लड़के के पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है उसकी पॉकेट। अब वो पॉकेट से एक कॉइन निकालता है, 2 कॉइन, एक के बाद एक। ओके, तो आप देखिए एक के बाद एक निकाल रहा है वो। मान लीजिए क्यू 1 रुपए कॉइन है, एच 2 रुपए कॉइन है, आर 3 रुपए का कॉइन, ये 5 रुपए का कॉइन। तो पहला कॉइन जो है वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर पहला कॉइन क्यू है तो अगला क्या हो सकता है, एच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है ना। तो क्यू एच और क्यू आर पहला कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरीके से पहला एच निकला तो अगला क्यू आर हो सकता है, तो इसके लिए एच क्यू और एच आर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर वो तीसरा उनका आर निकलता है तो अगला जो है, मतलब अगर उन्होंने आर निकाला तो अगला उसका क्यू भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, तो आर एच और आर क्यू ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जो सैंपल स्पेस बना उसका क्यू के साथ एच और आर, एच के साथ क्यू और आर के साथ एच और क्यू, राइट। इस तरीके से इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। अगला है, पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। एक भाई साहब बैठे हुए वो एक्सीडेंट नोट डाउन कर रहे हैं जो हाईवे में हो रही है एक साल में। तो इसमें देखिए कि उनके सामने है ना, बिजी हाईवे है, ऐसा भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट ना हो, ऐसे भी हो सकता है एक एक्सीडेंट हो, दो हो, या कोई भी हो सकता है, एक दिन में 10 भी तो हो सकते हैं, 100 भी तो हो सकते हैं, इसमें इसकी तो कोई सीमा नहीं है। तो इसकी जब परिधि ना हो तो हम लिखते हैं सैंपल स्पेस को 0, 1, 2, क्योंकि क्या माइनस 1 हो सकता है, क्या माइनस में एक्सीडेंट हो सकता, नहीं हो सकता ना। 0 कम से कम ऐसा होगा कि हाँ भाई कोई भी एक्सीडेंट ना हो, तो 0, 1, 2 ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, एक कॉइन को आपने टॉस किया, अगर उसमें हेड आता है तो हम क्या करेंगे, एक बैग है इसमें 3 ब्लू है और 4 व्हाइट है, अगर हेड आता है तो हम एक बॉल यहां से निकालेंगे। अगर मान लीजिए ये टेल आ जाता है तो हमारे पास एक डाई है, उसको हम थ्रो करते हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये जो आपके ब्लू बॉल्स है इसमें B1, B2, B3 तीन है ना, B1, B2, B3 लिख दीजिए। आपके पास जो W है इसको आप W रिप्रेजेंट कर दीजिए व्हाइट बॉल से, तो W1, W2, W3, W4 ये 4 हो जाएंगे, B1, B3 हो जाएंगे। तो अगर हेड आता है तो क्या आएगा, हेड के साथ अगला जो निकाला वो B1, बॉल तो एक ही निकाली है तो B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, B3 भी आ सकता है। ऐसी हेड के साथ W1, W2, W3, W4, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, एच के साथ B1, B2, B3, फिर हेड के साथ, क्योंकि बॉल निकालना है इनमें से कोई भी निकल सकता है। अब अगर टेल आता है तो टेल के साथ क्या हो सकता है, डाई थ्रो करेंगे, तो टेल के साथ डाई में 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। तो इसमें हम इसको HBI लिख सकते हैं, BI इसमें क्या हो सकता है, जो बॉल निकाले, HWI हम लिख सकते हैं कि जो व्हाइट बॉल आएंगे, व्हाइट बॉल निकाले, TI मतलब हो सकता है, TI लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, कि टी टेल आया और आई जो नंबर डाई में आए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक कॉइन है उसको बार बार आपने फेंका जब तक हेड ना आ जाए। अब सैंपल स्पेस निकालना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा भी हो सकता है इनफाइनाइट चला जाए, कैसे। मान लीजिए आपने पहली बार टॉस किया, पहली बार भी हेड आ गया, चलिए भाई बहुत अच्छा, अगली बार टॉस किया टेल आया, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, फिर अगली बार हेड आ गया, बहुत अच्छा, फिर क्या किया आपने, एक और देखा टेल आया, फिर टेल आ गया, फिर अगली बार हेड आ गया, तो ये हो गया, फिर क्या किया टेल आया, फिर हेड आया, तो टेल तक तो चलना पड़ेगा, ऐसे ही ये टी बढ़ता रहेगा और एच लास्ट में आता रहेगा, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी की बात की, इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी को, और हम इसमें बहुत सारी चीज देखने वाले हैं। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।